दोस्तों, आज मैं आपके लिए चेस की नोटेशंस लेके आया हूँ। तो नोटेशंस होती हैं जो ये नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, और ABCDEFGH। जैसे अगर आपको पहले नोटेशंस नहीं आती तो आप ऐसे कोई भी मैट लेके आइए जिस पे ये नोटेशन लिखी होती हैं। ये टूर्नामेंट्स जब होते हैं उसमें लिखने में काम आती हैं। जैसे ये यहाँ चला तो आप यहाँ देख लीजिए, ये डी है और ये है 4, तो इसे हम कहते हैं D4। ये ऐसी रट जानी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो आप ऐसे एक मैट लेके याद कर सकते हो, और फिर जो जिस पे नहीं लिखी उस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मुझे तो पता है कि कौन सी है। ये है E4, ये है F4, ये F3, ये F6, ये F7, F5, सॉरी, ऐसे आपको याद होनी चाहिए। या आप ऐसे मैट खरीद लीजिए और फिर उससे प्रैक्टिस करिए, तो आपको आ जाएंगी। थोड़े सा टाइम लगता है फिर आपको आ जाएंगी। तो ये टूर्नामेंट्स जब होते हैं उसके काम आती है लिखने में। जैसे मैंने अब लिखी हुई है, पहले वाइट वाइट लिखते हैं फिर ब्लैक लिखते हैं। चाहे आप वाइट हो चाहे ब्लैक, दोनों की लिखनी पड़ती हैं। जैसे ये देखिए D4, फिर D5, फिर C4। फिर इससे क्या होता है, आप अगर ओपोनेंट चीटिंग कर रहा है तो आप अपील कर सकते हो भी वो चीटिंग कर रहा है। आप कैसल को ऐसे लिखते हो, अगर जो कैसल नहीं होता, अगर आप शॉर्ट कैसल कर रहे हो तो आप ऐसे लिखते हो 0 लाइन 0। तो अगर आप लॉन्ग कैसल करते हो, लॉन्ग कैसल कैसल क्वीन की साइड होता है, अगर आप लॉन्ग कैसल करते हो तो उसे लिख ऐसे लिख, जो ये वाला लॉन्ग कैसल है उसे हम 3 बार 0 बीच में स्लैश हैश। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।